हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल तो चलिए जरा शुरुआत करते हैं और ये जो पर्टिकुलर सेशन होने वाला है पहले तो जान लो कि इसमें पढ़ना क्या है, है ना एक बार ऐसे सेशन लाइव हो जाए कॉमेंट बॉक्स के अंदर पिन करके बता दीजिएगा राइट वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ओके okay. तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर ये है कि आज का जो आपका सेशन होने वाला है अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं तो तो आपके लिए एक यहाँ पर मॉक टेस्ट है जो आपको फटाफट से सॉल्व करना है और आपका रिवीजन भी है जो बच्चे ऐसे हैं जो कि यूपी के नहीं है बट यहाँ पर आप जानते हैं कि यूपी एक ऐसा स्टेट है जिसके ऊपर सवाल हर पेपर के अंदर आते हैं तो आपके लिए ये क्या है सिर्फ और सिर्फ रिविजन है तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रेगुलर काइंड इंड ऑफेयर्स का जो क्लास है यह आपके लिए सुबह सात बजे कंडक्ट किया जाता है इसी पर्टिकुलर चैनल पे जहाँ पे डेली बेसिस पे आपको एनालिसिस मैपिंग स्ट्राटेजी के सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं ठीक है और ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपके लिए आज अन अकेडमी के जो दो स्पेशल क्लासेस होने वाले हैं वो कौन से रहेंगे पहला क्लास है दोपहर में बारह बजे जहां पर आपके लिए हिस्ट्री की पूरी टाइम होने वाली है रिविजन और दूसरा क्लास है शाम को चार बजे जहां पे आपके तीन टॉपिक कवर होंगे तो ये ध्यान रखना दोनों क्लासेस आने के आदमी पे वेरी गुड मॉर्निंग पल्लवी प्रिया रिंकी अदिति पेस्ट्री प्रणाम राधे दिख रहे हैं बेटा तुम्हारे कॉमेंट चले फिर आगाज किया जाए बहुत जल्दी जल्दी आंसर करना ज्यादा समय मत लीजिएगा बिकॉज दिस इज अ अविजन टोटल पचास सवाल आपके सामने आएंगे जो यूपी से जुड़े हुए हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ चलिए आंसर करना शुरू कीजिएगा पहला क्वेश्चन भारत भारती सम्मान by UP, हिंदी संस्थान यूपी के अंदर जो हिंदी संस्थान है इनके द्वारा अभी हाल ही में एक अवॉर्ड दिया गया है और कहा जा रहा है कि इस अवॉर्ड से किसको सम्मानित किया गया है नेम द पर्सन पर्सन का नाम बताइए वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइज गुड मॉर्निंग क्लास में थोड़ा समय पर ज्वाइन किया करिए सो दैट आप हर एक क्वेश्चन के आंसर को कर पाओ ठीक है बताओ इसका आंसर क्या बनेगा किस को सम्मानित किया गया तो यह अवार्ड दिया गया था क्या बनेगा? Six, right कि ये जो यूपी हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है किसके द्वारा यूपी हिंदी संस्थान के द्वारा अगला सवाल बताइए क्वेश्चन में कहा जा रहा है बनाना फेस्टिवल अभी लेटेस्ट में इसको यूपी की सरकार के द्वारा आयोजित किया गया था सवाल इसका आयोजन भारत के अंदर यूपी में कहां पर किया गया है जैसे कि आज सुबह हम लोगों ने करंट अफेयर्स में पढ़ा था ना बोनालू फेस्टिवल फेस्टिवल अब ये बोनालू स्पेसिफिकली कहां पर सेलिब्रेट होता है तो मैंने कहा ट्विन सिटी के अंदर होता है उसी तरीके से ये फेस्टिवल है इसका आयोजन कहाँ होगा कुशीनगर के अंदर इसका आयोजन किया जाता है नेक्स्ट पे आएंगे अगला सवाल बताइए कौन सा इसमें से ऐसा प्लेस है ऐसी जगह है जहां पे ड्रोन सर्विलांस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया किसके लिए गंगा नदी के लिए यानी कि गंगा नदी जो है उसकी स्वच्छता को चेक करने के लिए कि उसके आसपास के एरिया में ज्यादा चीजें जो है वो तो नहीं है ज्यादा पॉल्यूशन तो नहीं है ज्यादा प्लास्टिक तो नहीं है इन सब चीजों को चेक करने के लिए ड्रोन सर्विलांस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया अब ये मत कहना कि मैम आंसर इसमें से क्या बनेगा हमको नहीं पता बस ये मत बोलना गंगा रिवर के लिए है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वाराणसी इज द करेक्ट आंसर सिंपल सी बात है गंगा नदी जहां जहां से होते हुए जाती है वही वही प्लेसेस आपको यहाँ पर मिलेंगी तो या तो प्रयागराज था या फिर वाराणसी इन दोनों में से ही आपका मैक्सिमम आंसर होना था चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया ताकि प्रॉपर तरीके से जो मेंटेनेंस है वो हो रही है कि नहीं हो रही है और साथ में जो विजिलेंस है ना विजिलेंस के लिए और साथ में जो एसेंशियल चीजें हैं जो लोग गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं उनको वहां तक पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया अगला इनमें से कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जहां पे आपको एक्सप्रेस वे के ऊपर क्या मिलता है कुछ याद आ रहा है हवाई पट्टी मिलती है दो एक्सप्रेस वे हो चुके हैं अब तक कहा जा रहा है कौन सा वो स्टेट है आप देखिए यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां पर टोटल आपको तेरह एक्सप्रेस वे मिलेंगे जिनमें से दो एक्सप्रेस वे ऐसे हैं जहां पर आपको हवाई पट्टी देखने को मिलती है यानी कि वो जगह जहां पे एयरक्राफ्ट जो है उसको उतारा जा सकता है अगर आपसे कहा जाए कि यूपी के अंदर टोटल कितने आपको तो क्या मिलेंगे एयरपोर्ट वो भी इंटरनेशनल तो आंसर हो जाएगा पांच इसका करेक्ट आंसर क्या है यूपी नेक्स्ट पे आइए बताइए ई कॉमर्स कंपनी जिसने अभी हाल ही में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए यूपी के साथ में टाईप किया कॉमर्स e कंपनी जिसने अभी हाल ही में यूपी के साथ में टाइप किया है यूपी ही होगा ना माम क्योंकि आर टॉकिंग यूपी चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट मेहरबानी करके एमेजोन या फिर मिंत्रा आंसर मत कर दीजिएगा इसका आंसर बनेगा फ्लिपकार्ट ने अभी हाल ही में टाइप किया है ध्यान रखना ये जो योजना है इस योजना के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी प्रोडक्ट है उसको क्या किया जाएगा बढ़ावा दिया जाएगा टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितनी है सेवेंटी फाइव नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट आपको यूपी के अंदर मिलेंगी अगला कहा जा रहा है कि कौन से राज्य के सीएम है जिन्होंने अभी उदय योजना को लॉन्च किया है आज सुबह ही मैंने आपको ये पढ़ाया था अभी उदय योजना वो योजना है जिसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट क्या दिया जाएगा एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी कौन सा स्टेट है यूपी इज द स्टेट यूपी में इसको लॉन्च किया गया यहाँ पे कोई भी एग्जाम हो आई एस है पीसीएस है एनडीए सी डी एस एनी एग्जामिनेशन ये सबको कवर करेगा अगला सवाल इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जहां पे महाराजा सोहेल देव का एक मेमोरियल बनाया गया है महाराजा सोहेल देव का एक मेमोरियल बनाया गया है नेम द प्लेस बताओ कंगना <laughs> रनावत सबसे पहले याद आ रही है मैम शी इजेस्ट वेरी गुड बताओ शिखा देखो यही प्रॉब्लम होती है कि स्कीम्स तो लॉन्च होती हैं बट हर एक बच्चे तक उसकी सुविधाएं पहुंच पाना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बहराइच के अंदर इसको स्टाब्लिश किया गया है नेक्स्ट पे आइएगा बताइए हाउ मेनी न्यू वेटलैंड आर अनाउंस इन यूपी यूपी के अंदर अगर आप टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड की बात करेंगे तो आपको कितने यहाँ पर मिलेंगे अभी लेटेस्ट में जो रामसर साइट्स हैं वो पांच जोड़ी गई हैं और पांच जुड़ने के बाद में टोटल नंबर ऑफ साइड कितनी हो गई फिफ्टी फोर हो गई फोर्टी नंबर की जो थी वो क्या थी भकीरा क्या थी भकीरा और भकीरा कहाँ की थी वो यूपी की ही थी तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या है देख लो पहले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन कितनी हो गई है यहाँ पे दस कितनी हो गई दस ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा क्यूँकि देखो ये वाली जो है ना ये सबसे लेटेस्ट है जो कि फोर्टी नाइन्थ नंबर की है कौन सी फोर्टी नाइन्थ नंबर की अगला सवाल यूपी सरकार के द्वारा अभी हाल ही में बोला गया है कि सबसे पहला लेदर पार्क स्टैब्लिश किया जाएगा कहां पर इसको लगाया जाएगा मैम आज का सबसे आसान सवाल हाँ जी कहां पर इसको लगाया जाएगा अब लेदर का मैन्युफैक्चरिंग कहां पर होती है ऑब्वियस ही बात है कानपुर के अंदर होती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा

ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी जो है आपको याद होगा कुशीनगर के अंदर इसको बनाया जा रहा है लेकिन सवाल में कहा जा रहा है ट्रांसजेंडर टॉयलेट जो है ये कहां पे हो रहे हैं? और किया जा रहा है स्मार्ट सिटी अब कौन सी जगह पे नेम द प्लेस नेम प्लेस चलो इसका आंसर क्या है वाराणसी के अंदर इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है नेक्स्ट पे आ जाओ बताओ कुसुम योजना कुसुम योजना इनमें से किसके साथ में जुड़ी हुई है कुसुम योजना इसमें से किसके साथ में जुड़ी हुई है देखिए कुसुम योजना का सिंपल सा यहाँ पे मतलब क्या हो गया सोलर पैनल्स को लगाया जाएगा किसके लिए इरिगेशन के लिए, लिए. यानी कि जो इरिगेशन सिस्टम है इसके अंदर क्या होगा सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे सोलर पंप्स को भी स्टेब्लिश किया जाएगा किस योजना के अंदर कुसुम योजना के अंदर ये योजना शुरू यूपी से ही होती है इसलिए यहाँ पर इस योजना को मैंशन किया गया है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होगा यहाँ पे सोलर पैनल्स को लगाया जाएगा अगला सवाल बजट 2022-23 और के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कितना हो चुका है व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन यूपी अप्रैल 2022 आपको ध्यान होगा कि अभी हाल ही में यूपी का बजट आया था और जब यूपी का बजट आया था तो उसके अंदर सारा डेटा रिलीज किया गया था सवाल में कहा जा रहा है कि कितना परसेंटेज अनएम्प्लॉयमेंट कितना परसेंटेज अनुप्लॉयमेंट फोर पॉइंट नाइन सोच रहे होंगे कि मैम सबसे ज्यादा बता दिया तो भी गलत हो सकता है तो सेकेंड हाइएस्ट वाला बताते हैं है ना चले इसका करेक्ट आंसर क्या होगा टू पॉइंट नाइन परसेंट जो है वो यहां पर आपको क्या मिल रहा है यहां पर आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट मिल रहा है अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तक का यह डेटा रिलीज किया गया इस डेटा को रिलीज किसने किया गवर्नर आनंदी बहन पटेल के द्वारा इसको रिलीज किया गया है अगला सवाल यूपी का जो बजट आया है इस बार का ये तो ही आना है सवाल यूपी का जो बजट इस बार आया है इसके अंदर टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया गया टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया गया हम्म ये क्वेश्चन तुम्हारे सी एग्जाम में आया था अच्छा चलो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सिक्स पॉइंट वन फाइव ट्रिलियन ये सवाल तो तुम तो मान के चलो तुम्हारा लेखपाल है या फिर अभी तुम्हारा पीटी का पेपर आएगा या सपोजिंगली स्टेट पीएससी का पेपर आएगा सबके अंदर ये सवाल बनना ही बनना है ठीक है तो इसे ध्यान रखना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बताओ अंडर विच प्रपोज स्कीम सोलर लाइट विल बी इंस्टॉल्ड ऑन द रोड ऑफ द विलेजेस यानी कि जो गाँव होते हैं वहां पे जो सड़कें होती हैं उन सड़कों के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स को भी इंस्टॉल किया जाएगा सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये बता दीजिए कि कौन सी योजना के अंदर ऐसा किया जाएगा स्ट्रीट लाइट है स्ट्रीट लाइट चलो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ग्राम उन्नति योजना के अंदर इसको लॉन्च किया गया ग्राम उन्नति योजना नेक्स्ट अगला सवाल एक बार फिर से बजट के ऊपर यूपी का बजट 2022-2023 का जो भी लॉन्च किया गया यहाँ पे जो ओल्ड एज पेंशन दी जाती है इसके अंदर अभी तक जो पैसा दिया जाता था उसमें पाँच सौ रुपए बढ़ा दिया गया है है ना पहले कितना होता था पहले यहाँ पे पांच सौ रुपए ही दिया जाता था अब यहाँ पे पांच सौ रुपए और बढ़ा दिया गया है तो कितना अमाउंट होगा मुझे क्या पता आप हाँ, बताओगे हाँ बताओ कितना अमाउंट यहाँ पर हो जाएगा अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितना अमाउंट हो गया तो ऑब्वियसली वन हो जाएगा पहले पैसा कितना मिलता था फाइव हंड्रेड रुपीज अब इसमें फाइव हंड्रेड रुपीज और एड कर दिया गया तो अब ओल्ड एज पेंशन कितनी हो गई 1, रुपीज हो गई आज के टाइम में वन थाउजेंड रुपीज में कुछ होता है फाइनेंस मिनिस्टर है यहाँ के सुरेश खन्ना जी जिनके द्वारा इसका अनाउंसमेंट किया गया था अगला सवाल यूपी सरकार के द्वारा अभी हाल ही में बोला गया था बजट के अंदर कि चौदह मेडिकल कॉलेजेस स्टेट के अंदर और बनाए जाएंगे सवाल इनके लिए टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया इनके लिए टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया बताइए सिंपल आंसर है इसका आंसर हो जाएगा ट्वेंटी वन हंड्रेड का जो अमाउंट है वो यहां पे इन्वेस्ट किया गया ठीक है हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अगला सवाल बताइए पूछा जा रहा है कि द डायरेक्टरेट ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड द स्टैटिक्स ऑफ द यूपी यानी कि यूपी के अंदर जो पूरा का पूरा स्टैटिक्स जारी करते हैं इनके हिसाब से इनके हिसाब से सरकार ने टोटल जीएसडीपी जो है 2021-2022 का कितना बताया है कितना बताया है अमाउंट बताना है ये मत सोचिएगा कि जो अमाउंट के फिगर्स हैं ये आपके पेपर में नहीं आएंगे अगर कोई भी चीज आपके बजट के पर्सपेक्टिव से है तो मान के चलो कि वो क्वेश्चन आपके पेपर में बनना ही बनना है ठीक है इसका करेक्ट आंसर कितना है 19.10 लाख रुपीज कितना हो जाएगा 19.10 लाख करोड़ यहाँ पे अमाउंट जो है वो आपका रिमेनिंग अमाउंट है अगला योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बोला गया है कि की की कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया जाएगा विमेंस की सेफ्टी के लिए कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया जाएगा हम्म बताओ एम अगेन रिपीटिंग जो भी बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आज दोपहर में बारह बजे हिस्ट्री की पूरी टाइम लाइन आने पे हम पढ़ाएंगे तो क्लास में समय पर पहुंच जाइएगा वरना फिर ये होगा कि मैम ये टॉपिक एक बार फिर से पढ़ा दो क्योंकि जब जो टॉपिक पढ़ाते हैं तब आप लोगों की हाजिरी नहीं होती है बाद में फिर आपको होश आता है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा सेवन टू जीरो करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट विमेन की सेफ्टी के लिए किया जाएगा अगला सवाल आप सभी को पता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है इसे फाइव ट्रिलियन डॉलर तक लेकर जाने का इंडिया का टारगेट है जिसके अंदर यूपी कह रहा है कि हम अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा करने वाले हैं तो यूपी जो है वो इसके अंदर जो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा वो तो करेगा लेकिन यूपी ने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन का टारगेट कितना रखा है अपने कॉन्ट्रीब्यूशन का टारगेट कितना रखा है आंसर दीक्षा जीरो सौरभ काजल राजवंशी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा वन ट्रिलियन डॉलर इसका रखा गया है कि भैया पांच में एक जो है वो तो यूपी की तरफ से ही आने वाला है चलिए अच्छी बात है अगला वो इज अ फाइनांस मिनिस्टर ऑफ यूपी ये सवाल आपके पेपर में आएगा क्योंकि अभी हाल ही में बजट आया था कौन है यहाँ पे बताइए अभी मैंने उनका नाम लिया था अभी मैंने उनका नाम लिया था इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सुरेश खन्ना जी प्रेजेंट टाइम पे क्या हो जाएंगे यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर है अगला यूपी सरकार के द्वारा अभी हाल ही में बोला गया था कि जो ऑर्फेन चिल्ड्रेन हैं, कौन से समय के कोविड नाइनटीन के टाइम पीरियड के उन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा ये फाइनेंशियल सपोर्ट कितना अमाउंट होगा ये फाइनेंशियल सपोर्ट कितना अमाउंट होगा अमाउंट आपको बताना है आपको ये चीज मैंने पढ़ाई हुई है कि पीएम के मतलब पीएम के द्वारा जो कोविड फंड बनाया गया था पीएम केयर फंड जो बनाया गया था चिल्ड्रेन के लिए उसमें दस सॉरी दस लाख रुपए है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यूपी ने टोटल कितना अमाउंट देने के लिए कहा है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है बट वट अबाउट यूपी यूपी का कितना है तो यूपी यहाँ पे चार हजार रुपए हर महीने के हिसाब से देगा किसको गार्जियंस को टेक केयर करने के लिए बच्चे की अगला सवाल कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये बताइए सेफ सिटी स्कीम लॉन्च की गई है सेफ सिटी स्कीम यूपी के अंदर जिसको लॉन्च किया गया है ये टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉन्च किया जाएगा क्योंकि ये बात करता है महिलाओं की सेफ्टी के बारे में बताओ हम्म हम्म ठीक है कितना होगा कितने डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लॉन्च किया गया तो सिंपल यहाँ पे छह डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको लॉन्च किया गया ठीक है थीके? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बताओ यूपी सरकार ने अभी हाल ही में शूटिंग रेंज एक है नोएडा के अंदर उसका नामकरण किया है सवाल में कहा जा रहा है कि, कि किसके नाम पर उसका नाम रखा गया है किसके नाम पर उसका नाम रखा गया है बताइए नाइन नहीं है बेटा नाइन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा मतलब अगर कोई चीज पायलट प्रोजेक्ट के तरीके से लॉन्च होती है तो इतना ज्यादा नहीं होगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे चंद्रू तोमर के नाम पर इसका नाम रखा गया है ध्यान दीजिएगा पॉपुलरली नोन एज शूचर दादी कुछ याद आ रहा है शूटर दादी के नाम पे इसका नाम रखा गया है नोएडा के अंदर अगला सवाल अच्छा नोएडा के अंदर चलो आई गया है सवाल हाँ भाई बताइए जेवार एयरपोर्ट जो है ये नोएडा के अंदर है और इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी के अंदर अब यूपी में भी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेटेस्ट वाला है वो लेटेस्ट वाला कौन सा है जेवार एयरपोर्ट है सवाल आपके लिए ये है कि ये बताइए इसके लिए टोटल कितना हाउ मेनी एकड़ ऑफ द लैंड कितना एरिया यहाँ पे एलोकेट किया गया कितना एरिया एलोकेट किया गया है चलो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1365 का एरिया जो है हेक्टेयर एरिया जो है वो एलोकेट किया गया है जो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा अगला विच ऑफ दॉन्च द यूनिक कोड टू आइडेंटिफाई द लैंड होल्डिंग मैंने आपको बताया था कि एक नंबर रिलीज किया जाएगा और वो नंबर क्या करेगा आपके लैंड के बारे में सारी जानकारी देगा ठीक है कि लैंड किसके नाम पर है लैंड का कौन सा एरिया किसके नाम पर है कितना लैंड है ये सारा का सारा डेटा यहाँ पे यूनिक कोड के द्वारा दिया जाएगा सवाल कौन से राज्य ने इसको लॉन्च किया है तो यूपी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा यूपी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया इसके अंदर टोटल कितनी डिजिट्स होंगी टोटल सोलह डिजिट आपको मिलेंगी चलो नेक्स्ट पे आओ इन विच ऑफ प्लेसेस हाँ ध्यान से सुनिएगा शकुंभारी देवी मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है एक तो देखो होता है देवा मेला है ना एक होता है ये वाला मेला बताइए कहां पर इसका आयोजन किया जाता है अपना योपे हाँ बताओ इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा सहारनपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाता है ठीक है तो बस यही आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कल का पेपर बहुत अच्छे से करके आना इतमान से पेपर को सॉल्व करना हड़बड़ी में सॉल्व मत करना आधी से ज्यादा गलती तो आप क्वेश्चन को या तो ना पढ़ने के चक्कर में कर देते हो या तो जल्दी पढ़ने के चक्कर में कर देते हो तो ये वाली गलती नहीं करिएगा चलिए अगले सवाल पे चलेंगे बताइए यूपी के अंदर फेमस फिलग्रमेज सेंटर जो है किसके लिए बुद्धिज्म के लिए और जानिज्म के लिए यह आपको कहाँ पर देखने को मिलता है यूपी के अंदर कॉमन जगह कौन सी है कॉमन जगह कौन सी है हाँ पोर्ट की शुरुआत जो है वो भी नोएडा के अंदर ही की गई थी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कौसंबी के अंदर आपको ये दोनों के दोनों के जो रिलेशन है वो देखने को मिलते हैं ध्यान दीजिएगा कि ये कहाँ पर लोकेटेड है तो ये साउथ वेस्टर्न यमुना जो नदी है उसके पास में आपको इसकी लोकेशन मिलेगी अगला इन विच ऑफ प्लेस मुदिया पूर्णिमा मेला इज ऑर्गेनाइज मुदिया पूर्णिमा मेला इज ऑर्गेनाइज पे होता है ये वाला मेला सोचेंगे हम पे सिर्फ यूपी लिख दी थी तो फटाक से आंसर कर देते देख रहे हो परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया कन्नौज परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ये है गोवर्धन कौन सी जगह हो जाएगी गोवर्धन इज द प्लेस जहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है ठीक है ये मेला आयोजित होता है अगला National Institute, UP में कहां पर है नेशनल कथक इंस्टीट्यूट यूपी में कहा पर लोकेटेड है answer. Botanical Garden, UP के अंदर है, लखनऊ में है लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कथक इंस्टीट्यूट कहां पर है? Institute कहां पर लोकेटेड है इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा ये हो जाएगा लखनऊ के अंदर आपको एक कत्थक इंस्टीट्यूट मिलेगा अगले पे आते हैं हु म्यूजिक टू शंभू जी महाराज शंभू जी महाराज को इनमें से कौन से ऐसे पर्सन है जिनके द्वारा इनको हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का जो ज्ञान है वो दिया गया था नेम द पर्सन नेम द पर्सन पर्सन का नाम नेम द पर्सन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे रहीमुद्दीन खान क्या नाम है रहीमुद्दीन खान अगला नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर कहां पर है नॉर्थ पे हाबाद हो समझ जाइएगा वी आर टॉकिंग अबाउट प्रयागराज ओके बताइए नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चर वाला कहां पर लोकेटेड है ओके ठीक है बी होगा वाराणसी के अंदर है ना भाई ना ये कहा है प्रयागराज के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी ठीक है ये यहाँ पर देख लो प्रयागराज के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिल रही है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर इसको लॉन्च किया गया था अगला सवाल बताइए लिखा हुआ है कि ये बताओ इमदाद खानी घराना ऑफ सितार एंड सिंपल यहाँ पे बस इतना ही बता दो तुम इतने में ही अपना काम हो जाएगा आज से सवाल में कहा जा रहा है कि ये बताइए कि एक घराना है जो कि सितार से जुड़ा हुआ है यानी कि म्यूजिक से जुड़ा हुआ है ये घराना कहाँ पर है जैसे कि हम कहते हैं ना बनारस घराना या लखनवी घराना ये क्या है अलग अलग डिविजन है वैसे ही आपसे पूछा जा रहा है इसके बारे में कहां पर है खेला हो गया तुम्हारे साथ चलो इसका आंसर बताओ क्या हम्म ठीक है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हाँ सुने हो कभी ना इटावा का नाम सुना यमुना नदी के किनारे पर ये जगह आपको मिलेगी जहां पे क्या है लाइन सफारी क्या है वहां पे लायन सफारी आपको वहां पर मिलता है अगला इन विच सिटी ऑफ द फेमस दी सिंगर गिरिजा देवी बॉस आपको बताना है कि ये ये जो है ये सिंगर है, इनका जन्म कहां पर हुआ था इनका जन्म कहां पर हुआ था नेम द प्लेस ताज महोत्सव भी चल रहा है ताज महोत्सव इसलिए नहीं पूछा जाएगा क्योंकि यूपी के अंदर ये सवाल बनना थोड़ा सा अजीब हो जाएगा क्योंकि नाम से पता चल रहा है ना तो ऐसे वाले फेस्टिवल्स यूजुअली आते हैं पेपर में हां जी कहाँ पे इनका जन्म हुआ था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी के अंदर इनका जन्म हुआ था चलिए नेक्स्ट पे आइए बताइए यूपी के अंदर होली फेस्टिवल ओहो आज सुबह सुबह बड़ी याद आ रही थी लट्ठ होली की है आज सुबह तो बड़ी याद आ रही थी अब बताओ लट्ठ होली कहाँ पे होती है हाय मैम होली तो बस आ जाए एक बार से मजे ही मजे हो जाते हैं ना चलिए वृंदावन बरसाना मथुरा या फिर गोकुल गोकुल में तो नहीं होती है ये कहा होगी बरसाना में होगी कहाँ पर बरसाना याद है ना राधा आ हा दिस इज अव वाव दिन बन गया आज तो है ना दिस इज वर्ड लठ मार होली देख रहे हो ये आंटी लोग आंटी लोगों के हाथ में क्या होती है लाठी होती है और दे तना यहाँ पे लठमार होली होती है चलिए नेक्स्ट पे आइए बताइए हाथरस और कानपुर ट्रेडिशनली रिलेटेड टू हाथरस और कानपुर जो है ये दोनों आपस में किस चीज के साथ में जुड़े हुए हैं व्हाट इज द कॉमन थिंग दोनों में कॉमन क्या है दोनों में कॉमन क्या है कहेंगे मैम स्पेलिंग है स्पेलिंग नहीं बेटा कॉमन है यहाँ पे यहाँ पर फोक डांस जो है जो लोक नृत्य है वो आपको यहाँ पर ज्यादातर देखने को मिलते हैं हाथरस और कानपुर के अंदर अगला प्रिंसिपल फोक सॉन्ग यूपी का फोक सॉन्ग इसमें से कौन सा है यूपी का फोक सॉन्ग इसमें से कौन सा है बताइए बेटा यहाँ पे ना कई बार क्या होता है एक ऐसा होता है लोहे का होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है अपने सर को बचाने के लिए जो मेल्स होते हैं ना वो अपने सर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं जैसे नहीं होता था युद्ध वगैरह में ओके लेकिन अगर गलती से वो हट गया तो समझ लो कि कितनी तेजी से वो लाठी जाके फिर पड़ती होगी चलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है बिरा जो है वो यहाँ का फोक सॉन्ग है अगला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ यूपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ यूपी कौन है डायरेक्टर जनरल पुलिस ऑफ यूपी कौन है इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा देवेंद्र सिंह चौहान जी का नाम याद रखिएगा क्यों नाम आपको ये याद रखना है उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा क्यों क्योंकि ये नाम अभी हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में था यूपी के अंदर एक केस हो गया था जिसकी वजह से ये नाम बहुत ज्यादा सुर्खियों में था अगला वेयर वॉज द काशी हिंदू यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश इन यूपी यूपी के अंदर काशी विश्व यूनिवर्सिटी जिसे हम आज के टाइम पे बी के नाम से जानते हैं ये 1916 में स्टैब्लिश की गई थी कहां पर लोकेटेड है कहां पर लोकेटेड है हम्म इसका आंसर पे क्या होगा वाराणसी जब मैंने आपसे बी एच यू बोली दिया तो बात है वाराणसी चलिए नेक्स्ट पे आइएगा अगला सवाल बताइए कौन सा इनमें से ऐसा स्टेट है या फिर यूनियन टेरिटरी है जहां पर क्या बोला गया है आत्मनिर्भर आत्म आत्मनिर्भर वो राज्य बन चुका है वो राज्य आत्मनिर्भर बन ही चुका है आत्मनिर्भर भारत आप सभी लोग जानते हैं लेकिन एक ऐसा राज्य जो कि आत्मनिर्भर बन चुका है नेम द स्टेट थे। जब बात यूपी की हो रही है तो कोई और हो ही नहीं सकता अगला पूछा जा रहा है यूपी के अंदर टोटल स्पेशल इकोनॉमिक जोन कितने हैं यूपी के अंदर टोटल इकोनॉमिक जोन कितने हैं बताओ जल्दी से आंसर करो हाँ चलो केस का नाम तो तुरंत याद आ जाता है इसका आंसर क्या है इसका आंसर है टोटल थर्टी वन जोन आपको यहाँ पर मिलेंगे चले अब यहाँ पे देखो आईटी का अलग है टेक्सटाइल का अलग है मल्टी अलग है। आपको बताया था ना कौन सा एक लॉ आया था एक रूल आया था वर्क फ्रॉम होम का तो उसी के लिए यहाँ पे अलग अलग जोन बने हुए हैं अगला शेर शाह हैग बिल्ड द जीटी रोड क्या है जीटी रोड यहाँ पे डेवलप की गई थी ये किसको किसको कनेक्ट करती है ये किसको किसको कनेक्ट करती है बारह नहीं है बेटा ये तो तुक्का लग रहा था इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आगरा टू शाशाराम क्या है आगरा टू शाशाराम को ये कनेक्ट करेगी इंपॉर्टेंट है शाशाराम जगह कहाँ पर है यह आपको मिलती है किस जगह पर पता है ना ये आपको कहा मिलेगा यह आपको मिलेगा बिहार के अंदर ठीक वो देखो वहां से पाकिस्तान से होते हुए पूरा ये जो बांग्लादेश का रूट है ना ये पूरे रूट पे आपको मिलेगा जीटी रूट ओके अगला हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल कमांड ऑफ इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी का सेंट्रल कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर लोकेटेड है ये कहां पर लोकेटेड है बताओ हा ठीक है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा लखनऊ के अंदर आपको ये मिलेगा जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि कोई स्कीम अगर लॉन्च हो और हमें ना पता हो कि कौन सा स्टेट में लॉन्च हुई है तो यूजुअली हम लोग आंसर क्या कर देते हैं गुजरात कर देते हैं उसी तरीके से अगर कोई सवाल यूपी का है और वहां पे आपको आंसर नहीं याद आ रहा है अगर आप फिफ्टी फिफ्टी या सिक्सटी फोर्टी खेल रहे हो तो उस कंडीशन में आप लखनऊ मार्क कर देना चलो नेक्स्ट पे आ जाओ बताइए सबरी संकल्प अभियान ये यूपी के अंदर लॉन्च किया गया था किस चीज को खत्म करने के लिए किस चीज को इराडिकेट करने के लिए हम्म बताए लक देखो जरा कितना शॉर्ट फॉर्म है जीवन में लक इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा माल न्यूट्रिशन को एंड करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था अगला सवाल कहा जा रहा है मथुरा यानी कि यूपी की बात हो रही है मथुरा के पेड़े द फेमस थिंग कौन सा ऐसा रूलर था जिसका नाम जो है वो मथुरा के साथ में जुड़ा हुआ है कौन सा ऐसा रूलर था जिसका नाम मथुरा के साथ में जुड़ा हुआ है हम्म सही है देखो शुगर के लिए अगर रिसर्च सेंटर देखोगे तो वो भी आपको लखनऊ में ही मिलेगा तेलीबाग के अंदर उसकी लोकेशन है बताइए ठीक है चलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा अशोक इज द नेम इनका नाम यहाँ से जुड़ा हुआ है अगला वॉट पीरियड इज इंस्क्रिप्शन लोकेटेड इन अयोध्या इन यूपी यूपी के अंदर जो अयोध्या है आप सभी लोग जानते हैं अभी हाल ही में अयोध्या कैंट आपने पढ़ा था फिर अयोध्या के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसे भी डेवलप किया जा रहा है सवाल में पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है वो किसके समय के हैं वो किसके काल के हैं किसके टाइम पीरियड के हैं आज जो बेटा जो बार टेस्ट हो रहा है ना आज पता चल जाएगा तुम लोग कितना पढ़ के बैठे हुए आंसर क्या होगा सुंगा पीरियड इज द आंसर अगला सवाल नेम द पर्सन हु हैज बीन द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम इन यूपी यूपी के अंदर सबसे लंबे समय तक सीएम के रूप में किसने काम किया है किसने काम किया है बताइए आप सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पे तो नाम है ही नहीं योगी आदित्यनाथ जी का तो नाम ही नहीं है मैम शुड बी द आंसर देन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गोविंद पंत के द्वारा यहाँ पे अगर आप टाइम पीरियड देखो सबसे लॉन्गेस्ट है चौधरी चरण सिंह जी इनका नाम आपने सुना ही हुआ है और इनके ही नाम से लखनऊ के अंदर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो लोकेटेड है जिसे आप अमौसी हवाई अड्डे के नाम से भी जानते हैं चलो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनका जो टाइम पीरियड है वो यहां पर कितना है दो साल और एक सौ आठ दिन का आपको टाइम पीरियड मिलेगा चलिए नेक्स्ट पे आइए अगला द रैंक ऑफ यूपी अकॉर्डिंग टू द एरिया एरिया के हिसाब से यूपी कौन से नंबर पे आता है एरिया के हिसाब से नंबर वन पे तो राजस्थान आता है अब आप बताओ आपको बता दें मंडे से आपका वर्ल्ड मैपिंग का जो क्लास है वो अन अकेडमी पे स्टार्ट होने जा रहा है वर्ल्ड मैपिंग का भी रिविजन काफी टाइम से नहीं हुआ था तो उसका रिविजन स्टार्ट हो रहा है और ये क्लास आपका रहेगा सुबह सवा दस बजे कहाँ पर अन अकेडमी पे इसकी शुरुआत होने जा रही है ठीक है क्लास में थोड़ा समय पर हाजिरी दीजिएगा चलो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर फोर पे मिलेगा अगला क्या है कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है आप सभी लोगों ने लखीमपुर खीरी का नाम सुना होगा दुधवा नेशनल पार्क इसका आंसर बताओ क्या है इसका आंसर हो जाएगा बहराइच के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी अगर आपसे पूछा जाता है उज्ज्वला योजना तो ये याद रखना उज्ज्वला योजना को पहला वाला जो एडिशन था वो बलिया से लॉन्च हुआ था और जो दूसरा वाला एडिशन था वो महोबा से लॉन्च किया गया था कहा से महोबा से अगला सवाल यूपी का इसमें से कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे आपको नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिलता है न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिलता है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बुलंद शहर बुलंद शहर के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलती है ठीक है ना ओके चलो नेक्स्ट पे आओ बताओ गंगा रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट गंगा नदी जो है वो इसमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास नहीं करती ध्यान दीजिएगा यूपी के अंदर जितनी भी नदियां हैं मैंने आपको रिवर सिस्टम पहले भी पढ़ाया है एक बार फिर से पढ़ाएंगे लेकिन आप क्या क्या पढ़ लेना आप एक बार से यमुना नदी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से जाती है गंगा नदी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से जाती है ये दोनों आपको पता होने चाहिए चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाजियाबाद इज द राइट आंसर क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था यहाँ पर नॉट तो आंसर क्या होगा गाजियाबाद से नहीं जाती है अलग चलो तो ये था अपना आज का रिवीजन अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया है तो मान लो कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है अगर आपने इनको सॉल्व नहीं कर पाए हो तो आप ज्यादा टेंशन मत लेना जितना पढ़ा है उतना जाके पेपर देकर आओ क्योंकि टेंशन लेने से जो आता है वो भी चला जाएगा ठीक है चलिए इसकी पीडीएफ और करेंट अफेयर्स के क्लास की पीडीएफ दोनों अभी हम आपको यहाँ टेलीग्राम पे शेयर कर रहे हैं और आपका जो लिंक है किसका स्पेशल क्लास का बारह बजे का वो भी हम आपको शेयर कर रहे हैं अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि अब आपके लिए जो ऑफर है वो थर्टी फर्स्ट ऑफ जुलाई तक हो गया है जहां पर आप फिफ्टी एट परसेंट तक का सेविंग कर सकते हो ये सिर्फ थर्टी फर्स्ट ऑफ जुलाई तक ही है जहां पर आप कोड यूज करेंगे कृति टेन तो आपको जो अमाउंट यहाँ पर मिलेगा वो कितना है पहले तो टेन परसेंट ऑलरेडी जो मेन प्राइस है वो कम हो चुका है उसके बाद में जब आप कोड यूज करोगे तो आप यहाँ पे किसी भी बैच में जाके क्लास कर सकते हो कोई आपको मना ही नहीं है आप अपना सवाल भी पूछ सकते हो चार तारीख से कोड क्या लगेगा kratite, इस कोड के साथ में आपको करना है। सिर्फ दो दिनों का समय आपके पास में जहां पे आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे ऑल राइट रिपोर्ट एंड इज ऑल्सो अवेलेबल चलो तो मिलते हैं आप लोगों से दोपहर में बारह बजे टिल देन चीजों को रिवाइज कर लीजिए और पूरा टाइमलाइन रिवाइज करके आना एंशियंट और मेडिबल वाली